वेलकम टू स्वाद घर सा। मैं पूनम, मेरी आज की रेसिपी है अंकुरित चने और मूंग से बनी पूरी। ऐसी पूरी जिसमें आयरन और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और आप अपनी फैमिली को बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे 1 कप अंकुरित चना, ये बहुत ही हेल्दी होता है अंकुरित चना। 1/2 कप खड़ी मूंग भीगी हुई, रात को भिगो के रखा था इसे, फिर साफ धो के निकाल लें। अगर अंकुरित दालें आपको और भी मिले हैं, अंकुरित दालें जो भी हो, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसमें 5-6 हरी मिर्च मैंने लिया है, 8 से 9 लहसुन की कलियां छिली हुई, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा। इन सबको ऐड करके हमें मिक्स करना है, मिक्सर में पीस लेना है। अगर सूखा लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, और बिना पानी के भी आप अच्छे से पीस सकते हैं इसे। कोशिश करें कि पानी यूज ना करना पड़े और एक अच्छा बैटर पीस लें आप मिक्सर में। इसको मिक्स करके आप अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। दाल पीस गई है हमारी, अब हम इसे बड़ी थाली में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें आटे को मिक्स करेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, हमें इसी दाल के पेस्ट से ही आटे को गूंदना है। कसूरी मेथी अगर हो तो आप इसे क्रश करके इसमें ऐड कर दें। नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच तेल। अब इन सबको हमें मिक्स करना है। आटा और लग सकता है इसमें, 1/2 कप और 1/2 कटोरी जितना। हमें पानी ऐड नहीं करना है, इस दाल से हमें आटे को डो बनाना है, गूंदना है अच्छे से। 1/2 कटोरी आटा मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें, टोटल हमने 1.5 कटोरी आटा इसमें लिया है। अब हम इसे गूंद लेंगे, इसे हाथों से गूंदे, एकदम टाइट आटा होना चाहिए। टाइट आटा होगा तभी पूड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी हो सक कुरकुरी अच्छी बनेंगी। ये देखिए हमारा आटे का डो बन के रेडी है। अब हाथ में थोड़ा तेल लगा करके हम इसे छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, जितना छोटा बड़ा आपको करना है। मीडियम साइज की गोलियां बनाएंगे हम। देखिए मैंने गोलियां बना के रेडी कर दी है। अब हम इसे बेलेंगे, हल्का सा तेल लगा लेंगे बेलन में, और फिर अभी हम इसे बेलेंगे। छोटी बड़ी साइज आप जितना चाहे पूरी का दे सकते हैं। सभी पूरियों को हम बेल लेंगे, सारी लोइयों को बेल के सब तलेंगे। उसके बाद हम देखिए सारी पूरियों को बेल लिया है हमने, अभी हम तेल गरम कर रहे हैं। तेल गरम करने वाले इन सब पूरियों को तलेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। तेल में नमक डालने से पूड़ियाँ तेल कम सोखती हैं और कुरकुरी होती हैं हमारी पूड़ियाँ। अब तेल गर्म हो गया है, हम बारी बारी करके पूड़ियों को इसमें डालेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है तेल गर्म होने के बाद। कभी करके साइड साइड पूड़ियाँ तलना है, साइड साइड इतनी हेल्दी होती है ये पूड़ियाँ कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बच्चों को बना के खिलाएंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें इतने हेल्दी चीज़ें हैं, और वो आराम से खा लेंगे आसानी से। सबको सुनहरा अच्छे से तलना है पूड़ियों को सभी को। गैस को मीडियम ही करके रखें क्योंकि दाल अच्छी तरीके से पकनी चाहिए। देखिए हमारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, सुनहरी।
कुरकुरी, आप थोड़ा इसे कुरकुरी ही करके रखें क्योंकि ये दाल पूरी है तो इसमें अच्छे से दाल को पकनी चाहिए और ये खस्ता तभी होगी अगर अच्छे से ब्राउन होगी, सुनहरी होगी तभी। तो हम इसके निकाल लेते हैं। ये देखिए कुरकुरी हमारी पूड़ियाँ बन के रही हैं। ऐसे हम और भी पूड़ियाँ कर लेंगे। सभी को इसी तरीके से मीडियम गैस पे हमें करना है पूड़ियों को। सारी पूड़ियों को मैं निकाल लेती हूँ, बन के रेडी हमारी सारी पूड़ियाँ। देखिए मैंने पूड़ियों को निकाल दिया है, प्लेटिंग कर दी है। हमारी खस्ता कुरकुरा टेस्टी पूड़ियाँ बन के रेडी हैं। एक पूड़ी मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी तरीके से पक गई है। इसे मीडियम में गैस पे पकाएं, ज़्यादा फास्ट ना करें नहीं तो अंदर से कच्ची हो जाएगी और बाहर पक जाएगी, जल जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से आप लोग बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।